सर्दियों में बनने वाला बथुए का रायता तो आपने बहुत बार बनाया ही होगा, लेकिन आज हम इसे एक स्पेशल तंदूरी तड़का देने वाले हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही एनहांस हो जाएगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड मोर विद शोभा। आप सभी का स्वागत है शोभा की दुनिया में। जैसा कि सर्दियों में अभी बहुत सी लीफी वेजिटेबल्स आ रही हैं, जैसे बथुआ, पालक, मेथी, जो कि सीजनल होती हैं और हमारी सेहत के लिए भी ये बहुत ही हेल्दी रहती हैं, तो आप इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब बथुआ ले लिया है और उसके पत्तों को अलग कर लिया है, और इसको हमें बहुत ही अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इसमें बहुत ही मिट्टी रहती है। और यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया था और उसमें धुला हुआ बथुआ डाल दिया है, और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। एक बार आप करछी से इसको चला दें और इसको कम से कम 4 से 5 मिनट ढक कर रख दें। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसको रखना है। और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बथुआ बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में निकाल कर रख लेंगे ठंडा होने के लिए, और हमें बचे हुए पानी को भी बिल्कुल नहीं फेंकना है, इसमें बहुत ही न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो आप इससे आटा भी गूंथ सकते हैं या फिर दाल बनाने में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जब तक हमारा बथुआ ठंडा हो रहा है, तब तक हम रायते के लिए दही प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर रही हूँ दही को, इससे जो है रायता बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है, आप अकॉर्डिंगली पानी ऐड कर दें। अगर आपको पतला चाहिए तो आप पानी थोड़ा और भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी दही प्रिपेयर हो चुकी है और हमारा ये बथुआ भी ठंडा हो गया। इसको मैंने अच्छे से हाथ से ही निचोड़ लिया है और मैं इसको बिल्कुल भी पीस नहीं रही हूँ, मैं इसको बहुत ही बारीक बारीक चाकू से ही काट रही हूँ, क्योंकि इसका जो बथुए का क्रंची टेस्ट है ये रायते में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप एक बार काट कर बनाकर इसको ट्राई करें। तो अब हम इसको हाथ से थोड़ा सा खोल लेंगे। अब हम इसको दही में ऐड कर देंगे और एक चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, ताकि दही और बथुआ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, ये है काला नमक और लाल मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, काली मिर्च पाउडर और साथ ही चाट मसाला। अब इन मसालों को भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बेसिक रायता बनकर बिल्कुल रेडी है। लेकिन हम यहाँ पर एक तड़का लगा रहे हैं, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक दिए में सरसों का तेल ले लिया, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सरसों का लिया है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने हींग और जीरा डाल दिया है और इसको क्रैकल होने देंगे अच्छे से। और अब मैंने यहाँ पर करी लीव्स भी डाल दिए हैं, अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स हो तो आप वो इसमें ऐड कर दें। और अब हम इस दिए को रायते में छोड़ देंगे। और इसको ढककर रख देंगे ताकि जो तड़के का अरोमा है वो अच्छी तरह से रायते में आ जाए। अब 2 से 3 मिनट हो चुके थे तो अब मैं दिए को बाहर निकाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे और ये हमारा तंदूरी तड़का रायता बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप भी सर्दियों में इस स्पेशल बथुए के रायते को बनाकर ज़रूर एंजॉय करें। आशा है आपको मेरी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आपके साथ नई नई वीडियो शेयर करती रहूँ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। बाय।